नमस्कार, मैं अमित सेकेंड हैंड कारों की सीरीज का सेकेंड पार्ट लेकर आपके सामने आया हूँ। पहले पार्ट में आपने देखा कि हमें किस तरह की कारों को चूज करना चाहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इन सेकेंड हैंड कारों को कैसे चेक करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में गुरु ने बताया आपको कि आपको किस किस तरह की कारों पर मेन फोकस करना चाहिए, सेकंड पार्ट में वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं इन्हें कैसे चेक करना चाहिए, जैसे कार के डॉक्यूमेंट्स, पर्टिकुलर कार को, पर्टिकुलर कार की बॉडी पेंट वर्क को और इंजन को किस तरह से चेक करना। बहुत ही आसान है, बस आप इनकी टिप्स को याद रखिए, नोट करके रखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो भी कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। शेयर करने के लिए बड़ा आसान तरीका है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, क्या क्या यार नाम भी भूल रहा हूँ मैं, प्लीज याद दिलाओ ना कौन कौन से नाम है, उन पर शेयर करो, लोगों को अच्छा लगेगा और जानकारी भी बढ़ेगी। हाँ, यह भी सच है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सेकेंड हैंड कारों के ऊपर वीडियो बना रखे हैं। यह भी सच है कि सब ने बहुत सारे कंटेंट्स को शामिल किया है, कुछ एक हमसे भी छूट गए हों, अगर छूट गए हैं तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको समझा सकें। तो अगर आप और भी वीडियो देखते हैं उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है तो ये बहुत अच्छी चीज है। देखते रहिए सभी की वीडियो, सभी आपसे कुछ अच्छा ही कहने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतना ही। हाँ, गुरु कुछ कह रहे हैं, उनका वीडियो देखते हैं और समझते हैं कि हमें सेकेंड हैंड कार किस तरह से चेक करनी चाहिए। हाँ, तो फिर गुरु हो जाओ शुरू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरु और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, वो ये है कि यूज कार रहते समय किन बातों का ध्यान करें। अगर आप किसी सेकंड हैंड कार को ले रहे हैं तो उस कार में आपने क्या क्या चीजें चेक करनी है और उसके बाद आपको कार लेनी है। तो चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हम अगर किसी यूज कार को लेने जा रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं कि यार कोई सेकंड हैंड कार लेनी है, तो सबसे पहले हमारा जो सवाल होता है वो ये होता है कि यार कार कितने किलोमीटर चली है, कितने किलोमीटर चले। अगर कोई बोलता है कि नहीं यार 50,000 किलोमीटर चली, तो हमें पहले से लगता है कि कार बहुत अच्छी है। अगर कोई बोलता है कि अगर 1,00,000 किलोमीटर वो कार चल चुकी है, तो हम पहले मन बना लेते हैं कि यार नहीं यार वो बेकार कार है, वो बहुत ज्यादा चल चुकी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, क्या आप किस कार को देखने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, क्या उसका किलोमीटर जेन्युइन है। अगर उसमें 50,000 किलोमीटर शो कर रहा है वो मीटर, या 60,000 किलोमीटर शो रहा, तो आपको क्या यकीन से कह सकते हो कि आप बिल्कुल ओरिजिनल है वो, क्या उसमें कोई छेड़खानी नहीं कहेगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 200 से 300 रुपए लगते हैं किलोमीटर को पीछे करना में, उससे कम से कम 30 से 40,000 रुपए कमाए जा सकते हैं। अगर कोई कार 1,00,000 किलोमीटर चल चुकी है, अगर हम उसको 50,000 रुपए लाते हैं, तो उसकी वैल्यू वैसे ही 20 से 30,000 रुपए आसानी से बढ़ जाती है। तो ये सब चीजें बहुत होती है आजकल, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसकी एक ट्रिक है जानने का, तो वीडियो की लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए अभी दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। जब भी हम कोई सेकंड हैंड कार ले रहे दोस्तों, उसमें हमने उसके पेपर वर्क को पूरा चेक करना है, उसमें जो कागजी कार्रवाई होती है वो पूरा हमने देखना है, उसका इंश्योरेंस क्या वैलिड है या एक्सपायर है, ये हमें चेक करना। अगर उसका इंश्योरेंस वैलिड है कम से कम 8 महीने 10 महीने, तो ठीक है, आप अपनी कार अपने नाम करवाइए और उसके बाद उसका इंश्योरेंस भी ट्रांसफर हो जाता है इजीली, तो वो आपके काम ही आएगा। अगर उसकी इंश्योरेंस बिल्कुल लैप्स हो चुकी है, तो आपको वो करवाना पड़ेगा, इससे आपके कार नाम भी नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको कार लेते ही इंश्योरेंस को करवाना पड़ेगा। दूसरी बात आती है दोस्तों यहाँ पे सीएनजी की, अगर कोई कार सीएनजी है तो क्या उसकी सीएनजी आरसी में चढ़ी हुई है, क्या उसमें रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका, इंश्योरेंस में चढ़ी हुई है। अगर ऐसा नहीं, तो बिल्कुल आप ऐसी कार को ना लें जिसमें कि सीएनजी लगी हुई है और बिल्कुल आरसी में नहीं चढ़ी, तो ये बिल्कुल इनलीगल है, बाद में होता ही नहीं है, बाद में आप चढ़ा नहीं पाओगे, तो इसीलिए इन चक्रों में बिल्कुल फंसना मत। हाँ, कोई कार सीएनजी है उसकी आरसी में चढ़ी हुई, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं ऐसी कार को। तीसरी बात दोस्तों, कोई कार के ऊपर कोई वो तो नहीं है, कोई चालान तो नहीं है पेंडिंग, या कोई उसके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं, कोई बड़ा एक्सीडेंटल केस तो नहीं है दोस्तों, और ऐसे हाल में दोस्तों बिल्कुल नाम नहीं हो पाएगी और ऐसी जगह बिल्कुल पैसे फंसाने का कोई फायदा नहीं है। आपने सब चेक करना, आप अगर नियरेस्ट अपने जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आसपास जाएं, तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस होगा, वहाँ से आप पता कर सकते हैं कार के नंबर से, क्या उस पे कोई चालान वगैरह तो नहीं, क्या उसका पेंडिंग कोई कुछ है तो नहीं दोस्तों, कुछ में एक्सीडेंटल केस तो नहीं है। या मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, वहां से आप जाके उस कार का पता कर सकते हैं कार के नंबर से। आपने ये भी सुनिश्चित करना कि क्या उसकी आरसी से एचपी उतरी हुई है, अगर नहीं उतरी दोस्तों, तो आपको कार के ओनर को बोलना पड़ेगा, आप जाके बैंक से एनओसी लेटर ले आए। जिस बैंक से कार फाइनेंस होती है वो एनओसी देती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर उसकी कार की सारी इंस्टॉलमेंट जा चुकी है, कंप्लीट हो चुकी, तो वो एनओसी देगी आपको, इसीलिए आपको जब कार को नाम करवाना होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें।
तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब कार के कंडीशन के बारे में। क्या कभी कार में कोई मेजर एक्सीडेंट तो नहीं हुआ दोस्तों? ये पता करने का तरीका बहुत इजी है दोस्तों। अगर आप कार के दरवाजे खोलेंगे, दरवाजे के सामने आप पिलर देखेंगे दोस्तों, तो पिलर से आपको पता लग जाएगा क्या ये कार का भी मेजर एक्सीडेंट। देखिए छोटे मोटे स्क्रैच वगैरह तो लगते रहते हैं, लेकिन अगर कभी मेजर एक्सीडेंट कोई कार हो जाती तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इसके पिलर ये होते हैं खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे उनको रिपेयर करने के बाद ही साफ पता लग जाता है कि ये रिपेयर है। तो आप दरवाजे खोल के, कार के दोनों दरवाजे खोले, फ्रंट के बैक के, और आप देखें उनको पिलर क्या प्रॉपर है या नहीं, क्या उसकी छत कभी रिपेंट तो नहीं है, क्या भी उस क्या कभी इस छत को दोबारा पेंट तो नहीं किया गया दोस्तों। अगर क्योंकि इसमें क्या होता, अगर कार कभी पलट गई तो उसमें पिलर तो डैमेज होते होते कार की छत भी डैमेज होती है, इसीलिए कार की छत और पिलर को दोनों को रिपेयर कराना पड़ता है। तो आपने ये सब चीजें चेक करनी है कि कभी कार में मेजर एक्सीडेंट तो नहीं। आप अगर बोनट खोलेंगे दोस्तों, इंजन के आगे आप देखेंगे, जैसे आप अभी देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कभी ये रिपेयर तो नहीं किया गया, ये बिल्कुल एज इट इज जैसे कंपनी से आता वैसा है ही नहीं है, कहीं रिपेयर तो नहीं है इसमें, क्योंकि रिपेयर करा हुआ चीज तो साफ दिख जाती है, तो कभी है तो नहीं ऐसा। तो आपने ये सब चीजें चेक करनी है। बात आती है कार की चेसिस के बारे में, क्या हम अगर कार ले रहे हैं तो हम उसकी चेसिस कभी चेक करते हैं, कभी देखते हैं? शायद मुझे लग रहा नहीं करते, लेकिन करना बहुत जरूरी है ये। देखिए दोस्तों कार की चेसिस क्या होता है दोस्तों, अगर कार उस पर खड़ी है, चेसिस पे पूरा इंजन पूरी कार उस पर निर्भर है, अगर वो चीज अगर टूट जाती है, बैंड हो जाती है, कहीं से सड़ गल जाती है, वो रिपेयर नहीं होती है। अगर कंपनी में आप उसको चेंज करवाओगे दोस्तों तो बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा। तो हमने क्या करना है दोस्तों, उसकी चेसिस नीचे कार के नीचे झुक के देखनी है, क्या वो कभी बैंड तो नहीं है, क्या वहां पानी जाने से, कभी कभार क्या होता है पानी, अगर कोई कार खड़ी है ज्यादा चलती नहीं है तो पानी से क्या होता है वो सड़ जाती है, वो तो क्या वो सड़ी हुई तो नहीं है, क्या वो प्रॉपर तरीके से ठीक है या नहीं है, कहीं मुड़ी हुई तो नहीं। कभी कभार क्या होता है नीचे कोई पत्थर होता है, हमारी कार ऊपर से निकल जाती है और टकरा जाती है इतनी तेज कि वहां से चेसिस बैंड हो जाती है। तो हमने ये सब चीजें देखनी है। अब बात करते हैं कार के इंजन के बारे में, क्या उसका इंजन प्रॉपर वर्क करता है? देखिए दोस्तों वर्क तो कर रहा होगा, लेकिन क्या अच्छी कंडीशन में वर्क कर रहा है, क्या उसमें साउंड अच्छा आ रहा है? इस चीज का पता करने के लिए दोस्तों मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाऊंगा। अभी मेरे पास दो डिजायर है, एक 2009 मॉडल है, एक 2014 मॉडल है, तो उन दोनों का इंजन का मैं आपको साउंड सुनाऊंगा। आप 2009 मॉडल वाली इंजन का साउंड सुनेंगे तो उसमें नॉकिंग टक 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 कुछ कानों में चुभेगा आपको, ठीक है? वो होता है इंजन वीक होने के वो लक्षण होते हैं, वो कि आपका इंजन वीक है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल इंजन खत्म है, लेकिन हाँ वीक है। तो इससे पता लगता है इंजन का साउंड होना चाहिए स्मूथ, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे सीएनजी हो, चाहे डीजल हो, स्मूथ साउंड करना चाहिए इंजन। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो चलिए दोस्तों ये है 2014 मॉडल डिजायर, तो चलिए इसका इंजन का साउंड सुनते हैं। गाड़ी चल चुकी है अभी तक 25,000 किलोमीटर करीब, तो चलिए स्टार्ट कर लिया, इसका साउंड सुनते हैं। ये कार है 2009 मॉडल और ये किलोमीटर चल चुकी है अभी तो दोस्तों 1,36,000 करीब, 1,37,000 करीब चल चुकी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं इसका साउंड। जब भी आप कार का इंजन को स्टार्ट करें दोस्तों, तो उसमें देखिए साइलेंसर में से कोई धुआं तो नहीं निकल रहा, अगर उसमें से कोई व्हाइट धुआं निकल रहा है या कोई ब्लैक धुआं निकल रहा है, अगर पेट्रोल या सीएनजी कार है दोस्तों तो उसमें कोई व्हाइट ब्लैक धुआं कुछ भी नहीं निकलना चाहिए। हाँ अगर डीजल कार है, अगर हम उसको एक्सीलेटर देते हैं दोस्तों तो उसमें ब्लैक धुआं निकल सकता है, लेकिन स्टार्ट में नहीं निकल सकता, उसमें भी अगर आप कार को स्टार्ट करते हो तो उसमें नहीं निकल सकता। हाँ जब उसमें हम एक्सीलेटर देंगे काफी तेज देंगे दोस्तों, जब भी उसमें ब्लैक धुआं निकलेगा डीजल कार में। जब भी कार स्टार्ट हो दोस्तों आपने आगे देखना है, बोनट खोल के आपने देखना है कि उसका इंजन ऑयल, जहां से इंजन ऑयल डलता है दोस्तों, आपने उसका ढक्कन को कैप को खोलनी दोस्तों, और जहां से गेज होता है दोस्तों, जहां से हम इंजन ऑयल को सुबह सुबह चेक करते हैं मॉर्निंग में इंजन ऑयल कितना है या नहीं है, आपने उसको निकालना थोड़ा सा बाहर, और जहां से इंजन ऑयल को डालते हैं दोस्तों वहां से उसको खोल देना है और थोड़ा सा एक्सीलेटर देना, उसमें ज्यादा नहीं देना, थोड़ा थोड़ा कार में एक्सीलेटर देना। क्या वहां से ऑयल ऊपर की तरफ तो नहीं आता, जो इंजन ऑयल है दोस्तों जो इंजन के अंदर घूम रहा है, क्या वहां से ऊपर तो नहीं आ रहा? इससे भी पता लगता है कि इंजन काफी वीक है। अगर दोस्तों जिस कार को हम ले रहे हैं अगर उसमें एसी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा, अगर उसके टायर वगैरह बिल्कुल घिसे हुए हैं दोस्तों, बिल्कुल है नहीं उनमें कोई दम, उसकी अगर इंश्योरेंस बिल्कुल एक्सपायर है दोस्तों, अगर उसमें बैटरी बिल्कुल काफी दिनों के डले हुए, बैटरी भी उसमें अंडर वारंटी नहीं है, तो ये सब चीजें खर्चा लेके हमने चलना है बाद में, उस बंदे को बताएं, जिसकी कार ओनर को बताएं कि हमने इसमें ये चीजें करवानी, ये चीजें आपके कार में
नहीं है और खराब है, ये चीजें हमने करवानी है, तो उससे प्राइस में काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं किलोमीटर्स के बारे में, जो हमारे स्पीडोमीटर पर किलोमीटर दिखा रहा है क्या वो जेन्युइन है या नहीं है। दोस्तों उसका जो तरीका दोस्तों वो काफी थोड़ा अजीब सा है, मान सकते हैं उसको थोड़ा अजीब सा है, थोड़ा तरीका दूसरा है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं। अगर कोई अगर हमें अपनी कार दे दे यार जाओ आप चेक करा के आ जाओ, तो हम ठीक है चेक करवा के आ जाएंगे, पता लग जाएगा, लेकिन कोई अपनी कार नहीं देगा। अगर कोई कार विद सर्विस रिकॉर्ड अगर आपके पास है दोस्तों, अगर जिससे भी आप कार ले रहे हैं अगर वो कहता है कि विद सर्विस रिकॉर्ड है, तो फिर आप उसको कह सकते हो हाँ जेन्युइन कार चली। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरे पास एक 2014 मॉडल डिजायर 23 से 24,000 किलोमीटर वो कार चली हुई है, उसमें अभी तक भी 2014 का मॉडल है दोस्तों, उसमें टायर 2014 के होंगे, है ना। ये 2009 मॉडल है, इसमें मैंने टायर डलवाए थे 2015 में। अभी क्या होता है दोस्तों, चाहे ब्रिकस्टोन हो, चाहे अपोलो हो, चाहे जेके हो, चाहे सीएट हो, चाहे एमआरएफ हो, कोई भी टायर हो दोस्तों, उसमें क्या होता है कंपनी जो मैन्युफैक्चर होती है दोस्तों, वो मैन्युफैक्चर ईयर डालती है उस टायरों में। अगर आप कोई भी कार कंपनी से लेते हैं, चाहे 2017 में लेते होंगे, तो उसके आप टायर पे देखेंगे 2017 कहीं लिखा होगा, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, 2017 लिखा होगा, इसका मतलब 2017 में ये कार आई है, तो उसमें 2017 के टायर उसमें डले हुए हैं। अगर कोई कार आप लेने जाते हो 2013 मॉडल है, वो मान लेते हैं 2013 मॉडल है, अगर ओनर क्लेम करता है कि भाई हमारी कार 60,000 किलोमीटर चली, तो उसमें टायर होने चाहिए 2013 के उसमें टायर होंगे, जब ही कह सकता वो कि 60,000 किलोमीटर कार चल चुकी, जब ही आप मान सकते हैं। लेकिन अगर उसमें टायर बताते हैं 2017 के, 2016 में डलाए गए टायर, तो बिल्कुल आप ट्रस्ट ना करें, 70,000 से 80,000 किलोमीटर कार चलती, तो आप सिंपली उसके टायर देखें, टायर में जो उसकी डेट लिखी होगी दोस्तों, जो एयर को उसमें लिखा होगा, आप उससे पता कर सकते हैं इसका टायर चेंज है। तो टायर चेंज क्यों है, क्योंकि 80 से ऊपर चल चुकी, लाख किलोमीटर से टायर कार ऊपर चल चुकी, इसीलिए उसने टायर को चेंज करवाया है, तो इससे पता लगता है दोस्तों कि ये कार ज्यादा चल चुकी। जब भी हम कोई यूज कार ले लें दोस्तों, उसके बाद हमने करना क्या, ऐसे नहीं बिल्कुल कुछ चलाना, अपने हिसाब से उसकी सर्विस करवानी है, उसमें इंजन ऑयल फिल्टर वगैरह, गियर ऑयल वगैरह, उसमें कूलेंट वगैरह, उसके अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, ये सब हमें करवाना दोस्तों अपने हिसाब से। उसने क्या किया क्या नहीं किया ये वो जाने, लेकिन हमने अपने हिसाब से इसमें सारा कुछ काम करवाना है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपका कोई भी सवाल और सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको गुरु ने बहुत अच्छे से समझाया कि सेकंड हैंड कारों को हम कैसे चेक करते हैं। उम्मीद रखता हूं आपको यह सारी बातें आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो तुरंत लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सोचिए, उन्होंने भी मेहनत की है, तैयारी की है, और हमने भी थोड़ी सी तैयारी और थोड़ी सी मेहनत की है उनको सपोर्ट करने की, तो सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। गुरु को भी, उनका चैनल है ऑटो एक्सपर्ट गुरु के नाम से, जिसे आप यूट्यूब पे आसानी से ढूंढ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी उनका मौजूद है। इसके अलावा आप सवाल भी पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू, कोई चीज हमसे छूट गई हो तो लिखना ना भूलिएगा, और कोई पॉइंट आपको डाउटफुल लग रहा हो तो भी पूछिए, हमें आपके सवालों का इंतजार रहता है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर और नई नई कारों के बारे में भी बात किया करता हूं। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो रेगुलर देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन नीचे ही रेड कलर का अभी दबा दें, और एज ए वीआईपी सब्सक्राइबर सबसे पहले हमारे वीडियो देखना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, बगल में दीजिए नोटिफिकेशन बेल को एक बार पुश कर दीजिए। मैं अमित अब आपसे याद चाहता हूं, हमारे वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज का गुरु और साथ में ऑटो एक्सपर्ट गुरु, यूट्यूब पर ही आपके अपने